will be discussing about electrode selection. Previous lecture में आप galvanic cell के बारे में आप देख रहे थे, EMF of the galvanic cell. आज आप देखेंगे electrode selection. तो electrode selection में आपको दो point note करना है. Note number one, the SS is having higher oxidation potential. Oxidation potential will act as anode. तो इलेक्ट्रॉन सिलेक्शन में याद रखिएगा, नोट नंबर वन, द स्पीसीज हैविंग हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल एक्ट एज एनोड. जिस भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, वो एनोड के तरीके से काम करेगा. नोट नंबर सेकेंड, द स्पीसीज हैविंग लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल एक्ट एज कैथोड. जिस भी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, वो कैथोड के तरीके से काम करेगा. आपके सामने एक एग्जांपल है, ये हाफ सेल है. E naught of A oblique A positive equal to 1.23. E naught of B oblique B positive 2.06 volt. तो ये आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है. ऑक्सीडेशन के करेस्पॉन्डिंग जो भी पोटेंशियल होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. यहाँ भी आप देख रहे हैं B oblique B positive, ये भी ऑक्सीडेशन. इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के करेस्पॉन्डिंग जो भी पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसका ये भी क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है. अब आपको ये देखना है, आप देख रहे हैं जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हुआ एनोड के तरीके से काम करेगा. तो ये 1.23 है, 2.06 है. तो आप देख रहे हैं इन दोनों में ज्यादा कौन है, ये ज्यादा है. तो ये आपका क्या करेगा, एनोड के तरीके से बिहेव करेगा और ये आपका कैथोड के तरीके से बिहेव करेगा. तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको आप कर लेना चाहिए. और भी एग्जाम्पल देखते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल है x ऑब्लिक x निगेटिव, y ऑब्लिक y निगेटिव. E naught ऑफ x ऑब्लिक x निगेटिव इक्वल टू 0 माइनस 0.32 माइनस 0.1.30 वोल्ट. आप यहां देख रहे हैं ये भी क्या है, ये रिडक्शन है, रिडक्शन हो रहा है. इसका मतलब ये जो भी होगा इसकी वैल्यू वो रिडक्शन होगी, आरपी होगी, रिडक्शन पोटेंशियल. आप यहां देख रहे हैं ये भी रिडक्शन हो रहा है, तो ये जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगा, आरपी होगा. तो याद रखिएगा यहां लिखा गया था हैविंग हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल एक्ट एज एनोड. तो आपको करना क्या होगा, जहाँ हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, या तो ओपी क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होना चाहिए, आर आरपी लो होना चाहिए. ये दोनों बातें हैं. और या तो आप इसको सबको ओपी में आप चेंज कर लेंगे, ओपी में आप चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 0.32 वोल्ट. ये ओपी बन गया. ये भी माइनस में है, ये माइनस में है, तो माइनस में है तो इसको भी आप रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1.30 वोल्ट. अब आप देख रहे हैं ये ज़्यादा है, तो ये ओपी है, तो जिसका ओपी क्या होगा, ज़्यादा होगा वो एनोड के तरीके से काम करेगा, जिसका ओपी कम होगा कैथोड के तरीके से काम करेगा. तो ये आपका एनोड के तरीके से बिहेव करेगा और ये आपका कैथोड के तरीके से बिहेव करेगा. तो ये आपका हो गया. ठीक है,
फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट। ई नॉट को कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे? पहला फैक्टर है नेचर ऑफ मेटल और टाइप ऑफ मेटल। नेचर ऑफ मेटल ई नॉट को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर रिएक्टिव मेटल है या क्या है नॉन रिएक्टिव मेटल है उस हिसाब से ई नॉट आएगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का नेचर भी जो है ई नॉट किस पे और डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेगा। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का अगर कंसंट्रेशन क्या है ज़्यादा या कम है वो भी क्या करेगा उसकी वजह से ई नॉट क्या होगा अफेक्टेड होगा। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से भी ई नॉट क्या होता अफेक्ट होता है। तो ई नॉट जो है या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की चार पॉइंट हैं नेचर ऑफ मेटल और टाइप ऑफ मेटल, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और नेक्स्ट है टेम्परेचर। ये चार पॉइंट पे ये इम्पॉर्टेंट लाइन है इन्फ्लुएंस द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जितने चार पॉइंट जो है ई नॉट को क्या करेंगे इन्फ्लुएंस्ड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल ऑब्लिक ई नॉट। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल क्या है आपको कई बार बताया गया है कि स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल है जब दो इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं आप कनेक्ट करते हैं तो जो ईएमएफ क्या होता है जनरेट होता है दैट विल नोन एज स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल जो जनरेट होता है वो हम एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेते हैं और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल। तो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को हम क्या करते हैं सम कर देते हैं। तो इसी का नाम दिया गया एरिथमेटिक समेशन ऑफ टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड ई नॉट ऑफ द सेल। ई नॉट सेल एरिथमेटिक समेशन ऑफ टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड दोनों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एरिथमेटिक समेशन जो भी आएगा वही क्या होगा ई नॉट सेल होगा। इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं फाइंड ई नॉट सेल। ई नॉट ए ऑब्लिक ए पॉजिटिव इक्वल टू 3.3 वोल्ट, ई नॉट बी ऑब्लिक बी पॉजिटिव इक्वल टू 4.4 वोल्ट। तो सबसे पहले ई नॉट निकालने से पहले आपको इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन करना चाहिए और इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन करने से पहले आप ये देखिएगा ये 3.3 है और ये 4.4 है, ये भी क्या है ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू किसकी है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की? ये भी ओपी है और ये भी आपका ओपी है, ये आपका ज़्यादा है तो ये आपका क्या बनेगा एनोड बनेगा और ये आपका क्या काम करेगा कैथोड। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोड आपका कैथोड की तरीके से काम करेगी और ये इलेक्ट्रोड आपका क्या करेगा एनोड के तरीके से काम करेगा। और आप जानते हैं कई बार बताया गया लिखा गया एरिथमेटिक समेशन ऑफ टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। तो ई नॉट सेल जब आप निकालेंगे याद रखिएगा ई नॉट ऑफ एनोड प्लस ई नॉट ऑफ कैथोड। इसको दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हैं एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो ओपी ऑफ एनोड प्लस कैथोड पे रिडक्शन होता है आरपी ऑफ कैथोड। ओपी ऑफ एनोड प्लस आरपी ऑफ कैथोड तो ये क्या है एरिथमेटिक समेशन ऑफ टू इलेक्ट्रोड। तो पोटेंशियल एरिथमेटिक समेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड इन नोन एट ई नॉट सेल। तो सबसे पहले ओपी ऑफ एनोड आप देख रहे हैं ये दिया 4.4 प्लस आरपी ऑफ कैथोड तो ये है कैथोड ये ओपी है तो ओपी को आपको आरपी में चेंज करना होगा। तो ये ओपी अगर पॉजिटिव है देखिए यहाँ पॉजिटिव साइन लगी है तो इसका आरपी जो हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा -3.3 वोल्ट। ये आपका आरपी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का जो एरिथमेटिक समेशन होता है उसी का नाम क्या है ई नॉट सेल है। तो आपने 4.4 लिखा प्लस लिखे इसके बाद -3.3 वोल्ट। आप देख रहे हैं एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का एरिथमेटिक समेशन क्या आ रहा है ई नॉट सेल आ रहा है। तो आप यहां से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा ये 1.1 वोल्ट की जो है ये बैटरी बनेगी। तो ये जो आपका आ रहा है ये दोनों इलेक्ट्रोड है इन दोनों इलेक्ट्रोड का ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल है इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है
इन दोनों को आप क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। सम करने से आपका क्या आ रहा है, E0 सेल आ रहा है। तो E0 सेल ही क्या है, EMF है। स्टैंडर्ड कंडीशन में जो भी पोटेंशियल डेवलप होता है उसी का नाम क्या होता है, E0 या EMF आपका सेल होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब इन दोनों इलेक्ट्रोड से जो बैटरी बनेगी वो 1.1 वोल्ट की बैटरी बनेगी। इसीलिए भी पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था पोटेंशियल डिफरेंस और EMF। तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो अरिथमेटिक सम है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो अरिथमेटिक सम है वो EMF है, और ये स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है। और जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसी भी एट एनी कंडीशन पे जो भी डिफरेंस मिलता है वो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। एनी कंडीशन पे जो भी डिफरेंस, पोटेंशियल का जो डिफरेंस मिल रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस, और स्टैंडर्ड कंडीशन में जो पोटेंशियल जनरेट होता है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जब करंट ड्रा नहीं की जा रही होती है उसी का नाम क्या है, E0 सेल है। फाइंड E0 सेल फॉर E0 Zn / Zn प्लस प्लस इक्वल टू 0.76 वोल्ट, E0 कॉपर / कॉपर प्लस प्लस इक्वल टू -0.32 वोल्ट। तो ये जो है आपके पास दो इलेक्ट्रोड है और ये दोनों इलेक्ट्रोड की जो है E0 दिया हुआ है, ये हाफ सेल रिएक्शन है। तो ये जिंक और कॉपर को जो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो जो भी आपका गैल्वेनिक सेल बनेगा उस कंडीशन में E0 सेल क्या होगा, तो याद रखिए E0 सेल ये सब स्टैंडर्ड कंडीशन में है, ये भी स्टैंडर्ड में है, ये भी स्टैंडर्ड में है। ये जो पोटेंशियल आप यहाँ नोट किए हैं ये हार्डन के रिस्पेक्ट में मेजर किया गया है, ये भी पोटेंशियल हार्डन के रिस्पेक्ट में मेजर किया गया है। तो ये जो हार्डन के रिस्पेक्ट में आप पोटेंशियल मेजर किए हैं, तो ये जिंक का है, जिंक आप लिख जिंक जिंक, और ये कॉपर आप लिख कॉपर कॉपर का है। अब इन दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं, कनेक्ट करके जब आप गैल्वेनिक सेल बनाएंगे तो ये जिंक और कॉपर कितने वोल्ट की बैटरी बनाएगी, जितने भी वोल्ट की बैटरी बनाएगी स्टैंडर्ड कंडीशन में उसी का नाम क्या है, E0 सेल या EMF ऑफ द सेल है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो भी पोटेंशियल जनरेट होता है वही EMF है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये काम करना ये होगा कि आप पहले ये देखेंगे ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ कॉपर आप लिख कॉपर पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन के करेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसी का नाम क्या है, OP है। यहाँ भी ऑक्सीडेशन के करेस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू आ रही है वो OP है। आपको पहले भी बताया गया है कि इन दोनों में जब आप इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन करेंगे, एनोड कौन होगा या कैथोड कौन होगा, तो आप देखेंगे OP किसका ज्यादा है। तो द स्पीसीज हैविंग हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो OP आप देख रहे हैं ये 0.76 या -0.32 है, जिसका ज्यादा है तो ये आपका क्या बनेगा, एनोड बनेगा। तो जिंक इलेक्ट्रोड है एनोड का काम करेगा, तो जाहिर सी बात है ये क्या काम करेगा, वो कैथोड का काम करेगा। तो सबसे पहले आपको मैंने ये बात बताया था, जब भी आपको E0 निकालना है तो आपको बताया गया था OP ऑफ एनोड प्लस RP ऑफ कैथोड। OP ऑफ एनोड प्लस RP ऑफ कैथोड, तो देखा आप है एरिथमेटिक समेशन ऑफ पोटेंशियल इलेक्ट्रो एरिथमेटिक समेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नोन एज E0 ऑफ द सेल। OP ऑफ एनोड आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड का दिया हुआ है 0.76, फिर प्लस लिखेंगे RP ऑफ कैथोड, तो RP आप देख रहे हैं ये क्या है OP और ये कैथोड का काम कर रहा है। तो अगर कैथोड पे होता क्या है रिडक्शन, तो रिडक्शन होता है तो इस OP को आपको RP बनाना होगा, तो ये माइनस से किसमें हो जाएगा प्लस में। तो ये आपका था OP, ये क्या बन चुका है RP, तो साइन के साथ ये प्लस 0.76 प्लस ब्रैकेट लगाएंगे और ये वैल्यू आप नोट करेंगे 0.32 वोल्ट। अब इसको आप ऐड करेंगे, ये जो आपकी बैटरी बनेगी जिंक और कॉपर की वो 1.08 वोल्ट की बैटरी बनेगी स्टैंडर्ड कंडीशन में, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है स्टैंडर्ड कंडीशन में इसी का नाम क्या है, EMF ऑफ द सेल है। तो किसी भी कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है उसी का नाम क्या है, EMF है। तो ये मैक्सिमम 1.08 वोल्ट की बैटरी ये बनेगी। एक क्वेश्चन है नीचे, E0 SN 4 पॉजिटिव और SN डबल पॉजिटिव इक्वल टू प्लस 0.15 वोल्ट, E0 CR ट्रिपल पॉजिटिव और CR इक्वल टू -0.74 वोल्ट। ये दोनों आपके इलेक्ट्रोड हैं,
इन दोनों इलेक्ट्रोड का अपना खुद का पोटेंशियल इसके करेस्पॉन्डिंग मतलब इसके सामने नोट किया गया, आपको ई नॉट निकालना है, ई नॉट सेल निकालना है। ई नॉट सेल निकालने के लिए आपको प्रीवियस मेथड अप्लाई करना होगा। सबसे पहले आप ये देखिएगा, ये क्या है, प्लस फोर प्लस टू, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन है। ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। यहाँ आप देख रहे हैं सीआर ट्रिपल पॉजिटिव और सीआर, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन इन द सेंस ये क्या है आपका आरपी है। तो अब आप ये देख रहे हैं कि एक ओपी है एक आरपी है, तो दोनों में आपको कौन सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले दोनों को एक फेज में ले आइए, सबको ओपी में चेंज कर लीजिए। तो ओपी ये प्लस में ऑलरेडी है तो ये ओपी ही रहेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो इसको ऐसा रखेंगे, ये आरपी है तो इसको ओपी में चेंज करेंगे तो ये प्लस 0.74 वोल्ट हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं ये भी ओपी है और ये भी ओपी है, तो ओपी में ज्यादा कौन है, ये 1.50 है, नहीं 0.15 है, 0.15 है, ये 0.74 है, तो ये 0.15 और ये 0.74, तो ज्यादा कौन है, ये है, ये आपका क्या बनेगा, ए नोड का काम करेगा। इसका मतलब अगर ए नोड का काम करेगा तो ये किसका काम करेगा, कैथोड के तरीके से बिहेव करेगा। अब आपका आपके पास फार्मूला क्या है, ई नॉट सेल ओपी ऑफ ए नोड प्लस आरपी ऑफ कैथोड। ओपी ऑफ एनोड आप देख रहे हैं, ओपी ऑफ एनोड, एनोड एनोड का ओपी क्या है, 0.74 प्लस आरपी ऑफ कैथोड कौन है, तो आप देख रहे हैं ये ओपी और ये क्या है आरपी है, ये ओपी है, ये भी आपका ओपी था और ये भी क्या है आपका ओपी है, ये ज्यादा है तो आपने इसे एनोड सेलेक्ट कर लिया है, तो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.74 वोल्ट है। आरपी ऑफ कैथोड, तो कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, आपने लिखा क्या है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको आपको आरपी में चेंज करना होगा, इसको आप आरपी में जब चेंज करेंगे तो ये प्लस 0.15 है तो इसको माइनस 0.15, ये आपका हो जाएगा आरपी, तो प्लस माइनस 0.15 ये है आपका। तो देख रहे हैं ओपी ऑफ एनोड प्लस साइन के साथ, यहां से ओपी ऑफ एनोड है, आरपी ऑफ कैथोड, तो कैथोड कैथोड पे यहां आपने ओपी लिखा है तो इस ओपी को ये ओपी प्लस साइन में है तो आरपी क्या होगा माइनस साइन में होगा, क्योंकि हमें आरपी लेना है तो आरपी नेगेटिव साइन के साथ यहां ले लेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, ये अरिथमेटिक समेशन ही है तो प्लस माइनस माइनस ही होगा तो ये सबट्रैक्ट कर जाएगा। ये प्लस साइन के साथ ये वोल्ट आएगा तो आपकी जो बैटरी बनेगी वो 0.59 वोल्ट की बैटरी बनेगी। तो इस तरीके से आप किसी भी सेल का आप ई नॉट निकाल सकते हैं, अगर पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का क्या हो, ई नॉट दिया हो। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।